नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि 2022 की जो 11वीं किस्त है उसकी दोस्तों डेट आ गई है, यानी कि जो आपकी 11वीं किस्त आने वाली है उसकी डेट यहां पर निर्धारित कर दी गई है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। साथ ही अगर आप 11वीं किस्त प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो KYC करना बहुत ही ज़रूरी है, उसकी दोस्तों लास्ट डेट है वो 31 मई 2022 है। तो इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ कि जो 11वीं किस्त है वो किस दिन आने वाली है। साथ ही दोस्तों ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे KYC कैसे कर सकते हैं और जो उसका स्टेटस है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि सारी जानकारी आपको समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको 11वीं किस्त चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है pmkisan.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर। आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो दोस्तों जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, बेनिफिशियरी स्टेटस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिशियरी स्टेटस में आपको आधार नंबर मांग रहा है या फिर आप अकाउंट नंबर से यहाँ पर है जो अपना जो स्टेटस है वो ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली अपना जो आधार नंबर है वो एंटर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने जैसे ही आधार नंबर टाइप करने के बाद मैंने दोस्तों गेट डाटा पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी जो भी इस पर्सन की डिटेल है यानी पीएम किसान सम्मान निधि की अभी तक कितने इंस्टॉलमेंट है वो आ चुकी है और बाकी है जो अभी यहाँ पर देख सकते हो आप जो 10वीं इंस्टॉलमेंट है उसका जो पेमेंट है वो प्रोसेस में है। यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो वहाँ से जारी कर दी लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो अपने हिसाब से एक डेट फिक्स करके है जो इंस्टॉलमेंट आगे किसानों को पे करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों केंद्र सरकार से 10वीं किस्त जारी हो चुकी है लेकिन ये स्टेट वाइज है जो अलग अलग डेट को जारी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों 10वीं डेट का जो पेमेंट है वो प्रोसेस में है। इसके अलावा 11वीं डेट जिनकी भी मान लो 10वीं जो इंस्टॉलमेंट है वो आ चुकी है तो यहाँ पर उनकी जो 11वीं इंस्टॉलमेंट है वो प्रोसेस में दिखाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि आपकी जो 11वीं किस्त है वो कब तक आएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 7वीं किस्त यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो 2021 की है 15 मई 2021 को है जो क्रेडिट की गई थी। यानी कि दोस्तों पिछले साल है जो 15 मई को ये किस्त आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों अभी मई माह चल रहा है तो आपकी बिल्कुल 11वीं किस्त है वो 15 या फिर 16 मई को है जो जारी हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पर ये कन्फर्म है आपकी जो 11वीं किस्त है वो 15 या फिर 16 मई को है जो आ सकती है। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही अनिवार्य काम करना है दोस्तों, अगर आपने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अपनी KYC नहीं करवाई है तो जल्दी से आप है जो अपने मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप नज़दीकी ई मित्र या CSE सेंटर पर जाकर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मोबाइल के जरिए KYC करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पर बना रखा है, जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप आसानी से घर बैठे हैं जो अपने मोबाइल के जरिए KYC कर सकते हैं सिंपल तरीके से। दोस्तों छोटा सा वीडियो, उस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने मोबाइल से घर बैठे हैं जो KYC कर लें आज ही, ताकि आपकी जो 11वीं इंस्टॉलमेंट है वो रुके ना। इसके अलावा अगर आपने KYC कम्प्लीट नहीं करी है तो बिल्कुल आपकी जो 11वीं इंस्टॉलमेंट है वो अटक जाएगी, यानी वो आपके अकाउंट में उसका जो पैसा है वो नहीं आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।